ये काफी पहले की भी बात है और अभी भी पूछ रहे थे कोई लोग कि फजर उठा नहीं जाता और फजर कैसे उठा जाए, अलार्म बज जाते हैं ख़त्म हो जाता है। उसका एक तरीका है लेकिन लाजमी नहीं है कि हर एक पे काम करे, बट 95% इट वर्क्स ऑन पीपल एंड इट्स वर्कड ऑन मी एज वेल बिकॉज आई ट्राई एवरीथिंग बिफोर आई प्रिस्क्राइब इट। आई ओनली प्रीच वट आई प्रैक्टिस, वेरी सिंपल, आई ओनली प्रीच वट आई प्रैक्टिस। मैं बाहर से उठाई हुई चीज़ को कहीं नहीं लाता, हमारे अपने घर के अब्बा की चीज़ें हैं वो मेरे पास हैं, मैं इस्तेमाल करता हूँ एंड दैट्स एज फार एज इट गोज़, यानी कि उसके आगे कोई चीज़ नहीं है पीछे नहीं है। आई ओनली प्रीच वट आई प्रैक्टिस, मैं बताता वही हूँ जो मैं करके देख चुका हूँ, और ये क्योंकि अब्बा की बताई हुई चीज़ है। रात जब आप बिस्तर में लेट जाएं 19 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ लें और सिर्फ आपने ये जो है एक लाइन आपने कहनी है, मुझे फजर के लिए जगा दो, एक दफा कहना है बस। 19 दफा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के सिर्फ आपने ये एक लाइन कहनी है, मुझे फजर के लिए जगा दो, दैट्स इट। आपकी फजर के टाइम आँख खुल जाएगी, ये नहीं कि गारंटी है बट 95% इट डज वर्क, ठीक है ना। फजर की नमाज अगर आपको सुबह उठ के पढ़नी हो, पढ़ के सो जाओ, वजू करो, उठ के वजू करो और पढ़ो सो जाओ, अच्छा है, नमाज टाइम पे हो रही है, बा खुदा दीवाना बाश बा शरीयत होशियार, ठीक है ना। ये चीज़ है, शरीयत मोहम्मदी से होशियार रहना, अल्लाह की राह में पागल हो जाओ हो जाओ, बट शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सज़ा और जजा जो है मुय्यन करती है।